व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखेंगे योयो हनी सिंह की थग लाइफ कॉम्पिलेशन। तो भैया योयो हनी सिंह ओप इन द कमेंट हो जाए, करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। कपड़े धोने को तो नहीं ना बोलेगा मुझे कि धोएगी तू मेरे गंदे कच्चे। आपका कच्चा हमेशा गंदा क्यों हो जाता है? सबका गंदा होता है। और लड़की क्यों धोएगी, खुद नहीं धो सकती? मेरा नहीं धोएगी, मुझे छोड़ के गई है। हाँ, वो अपने खसम का धोएगी। वेलकम टू अनदर थग लाइफ कंपाइलेशन। आज पूरे 2 साल के बाद कोई थग लाइफ कंपाइलेशन बना रहा हूँ भाई मैं, और वो भी सिर्फ तुम लोगों के कहने पर। थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा दे देना भाई। ओके। तो अभी पूरे इंटरनेट को भाई एक ही बंदे ने टेक ओवर किया हुआ है, एंड वो है योयो हनी सिंह। एंड एक ने तो भाई अपने कॉमेंट्स भी ऑफ करे हुए हैं। बादशाह भाई अभी के लिए एग्जाम्पल बन गया भाई कि किसी को पोक करना ना तुम्हारे करियर के एल लगा सकता है, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बादशाह काफी सालों से अपने इंटरव्यूज में और अपने गानों में हनी भैया को पोक करता हुआ आ रहा था, लेकिन यार हनी सिंह ने जब भी बादशाह को रिप्लाई करा है ना तो वो डायरेक्ट रिप्लाई करा है। अभी गाने आ रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं चौका मार पाऊं ना मार पाऊं, मैं छक्का मार पाऊं ना मार पाऊं, तेरी बारी नहीं आन दूंगा। तेरी बारी नहीं आने दूंगा भाई। भाई तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब हनी पाजी को हमेशा पोक क्यों करता होगा बादशाह? बल्कि रियलिटी तो यह है कि बादशाह से ज्यादा फेमस तो हनी पाजी की टी शर्ट है। और हनी पाजी ने ना ही कभी बादशाह को खुद से कंपेयर किया और ना ही किसी और को करने दिया। आपके एब्सेंस में बीच में बादशाह हैज टेकन ओवर, तो क्या कह सकते हैं? How do you look at it? One last rap we'll do. Rolls Royce चलाई है आपने कभी? और है। Rolls Royce और नैनो में बहुत फर्क होता है। क्या बात है सर? क्या बात है? एंड इसके बाद ना भाई बादशाह अपनी अगली म्यूजिक वीडियो में ना रोल्स रॉयस लेके आ गया भाई। जाके रोल्स रॉयस ले ली मैंने। अच्छा। लेकिन यार बादशाह भैया को ये कौन समझाए कि हनी पाजी बात औकात की नहीं बल्कि ब्रांड की कर रहे थे, समझ रहे हो? नेक्स्ट नंबर पर आता है अपना एमसी स्टैन, और एमसी स्टैन ना भाई काफी टाइम से गलत फहमी में जी रहा है, क्योंकि भाई एमसी स्टैन को ये लगता है ना कि इंडिया में मंबल रैप को इंट्रोड्यूस करने वाला वही है। तुमको मालूम नहीं, पहली बात मंबल महीने बाद आया, गैंग साइन, ब्लड क्रिप ए गैंग रेता महीने बाद आया। तो हनी पाजी को जब पूछा गया ना कि क्या आप एमसी स्टैन के साथ काम करोगे, तो उन्होंने सीधा ये बोल दिया भाई, आप हमेशा यंग आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो होमी हो या एलएल गोलू हो, कोई भी, तो क्या एमसी स्टैन के साथ आप कुछ प्लान करोगे? नहीं, उसका स्टाइल अलग है, मैं तो रैप रूप करता नहीं इतना, मेरा कमर्शियल म्यूजिक रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सही बात है भाई, एमसी स्टैन का स्टाइल सबसे अलग होता है भाई। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे सिंगर्स हैं ना भाई, जिनको ये लगता है कि अगर तुमको हारमोनियम बजाना नहीं आता ना तो क्या खाक सिंगर बनोगे तुम। तो इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट हनी पाजी ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में शेयर किया था। तो एक बहुत खतरनाक से सिंगर आए, तो उन्होंने मुझे डिग्रेड और डोमिनेट करने की कोशिश करी, चाहते वो थे मेरा म्यूजिक। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये दिखाना चाहा कि मुझे तो उससे ज्यादा म्यूजिक आता है। अच्छा। तो वो आए, उन्होंने 1 घंटा बाजा पेटी उठाई और गाते रहे। कहते अब बजाओ, ये तो मुझे बजाना आता नहीं। कहते म्यूजिक कैसे करोगे? मैं कहा म्यूजिक सारा प्रोग्रामिंग है, वो सब मुझे आती है, मैंने खुद सीखी है और देख देख के सीखी है, तब कोई ट्यूटोरियल्स यूट्यूब नहीं होते थे। मैंने कहा मैंने सब देख देख के सीखी है और कर करके सीखी है। तो कहते पेटी नहीं बजानी आती तो क्या म्यूजिक करोगे? मैं कहा पेटी बजाने वाला 5,000 रुपए में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। हाँ। लेकिन बजाना क्या है उसके लिए आप मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हो। नो मास्टर सलीम हार इन दिस वीडियो। कुछ भी बोलो भाई, ओल्ड इज गोल्ड था भाई हनी सिंह के एरा का। और हनी पाजी स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा सैवेज है। अगर आपकी बेटी हुई, अगर आपकी बेटी को कोई लड़का आप ही के ये गाने लिखे हुए डेडिकेट करता है तो वो कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल जरा भी बुरा नहीं लगेगा। मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, इनफैक्ट वो शायद ये बोलेगी कि यार लुक, ये जो तू सुना रहा है ना ये मेरे बाप ने लिखे, चल कुछ नया सुना। सैवेजनेस ओवरलोड होगी भाई यहाँ तो। तो उस टाइम पर हनी सिंह के लिरिक्स से भी काफी लोगों को तकलीफ हुआ करती थी, क्योंकि हनी सिंह से काफी सारे मीडिया वाले हमेशा ये सवाल पूछते रहते थे कि तुम फैमिली फ्रेंडली गाने नहीं बनाते। और इसका जो रिप्लाई हनी पाजी ने दिया ना वो एकदम खतरनाक था भाई। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, आपके मेरे पैदा होने से पहले गाना है। हाँ, बॉलीवुड से आपकी बात हो रही थी है ना जी,
एक गाना था वो क्या नाम है, आज की रात में दिल की सलामी है। ये रात को अंकल ने कौन सी सलामी देनी है, तुमने दिया मतलब भाई ने इतना स्मूथ रोस्ट करा ना, किसी को हवा भी नहीं लगी। ब्लू आईज में आप वो लड़की जो है लॉलीपॉप खा थी तो वो जो लॉलीपॉप था वो आप घर ले आए थे। मैंने उसको दूसरा लॉलीपॉप दे दिया था। And this is not the first time भाई जब हनी सिंह ने अपने इंटरव्यूज में डबल मीनिंग बातें करी हैं। टेली खजाना पर और इस वक्त हमारे साथ है the only rapper हनी सिंह। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना पर। थैंक यू, खजाना खोलो फटाफट। थैंक यू, खजाना खोलो फटाफट। भाई हनी पाजी एकदम अलग लेवल के सैवेज आदमी है। हनी सिंह वर्सेस बादशाह तब तक चलना चाहिए जब तक कि काला स्टार सारे के सारे रिकॉर्ड नहीं तोड़ देता। ठीक है, बाकी जरूर से कमेंट करके बताओ कि तुमको सबसे सैवेज पार्ट कौन सा लगा वीडियो का। एंड मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि अपने को महीने में एक थग लाइफ कंपाइलेशन तो बनाना ही चाहिए। क्या बोलते हो भाई, कमेंट करके बताना भाई जरूर से। भाई बढ़िया थी यार थग लाइफ, मुझे मस्त लगा वो वाला पेटी वाला। पेटी वाला, पेटी बजाने वाला तो मिल जाएगा भाई। हाँ, एक चीज है, आपको मतलब ओवर घमंड नहीं होना चाहिए खुद पर, लेकिन घमंड भी होना चाहिए। एटीट्यूड बहुत सही चीज है जो हर एक इंसान में होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत भयंकर नहीं, ओवर नहीं, लेकिन हाँ जो इनका है बहुत सही है। काम से नाम बनाया और भाई उसकी रिस्पेक्ट तो है। अगर आज मैं किसी लेवल पर हूं तो भाई मैं हूं, उसमें क्या है वो चीज बोलना। वो बोला ना कि 5000 पेटी वाला, बहुत सही बोला। वो चीज है। और कई लोग क्या होता है दूसरे की सक्सेस से इतना जल जाते हैं, इतना भुन जाते हैं, तो वो अलग जोन में होते हैं कई लोग। मैं यहाँ पर किसी इन जनरल म्यूजिक इंडस्ट्री बात नहीं कर रहा, मैं हर फील्ड की बात कर रहा हूँ। आप अपने सर्कल में भी देख लेना, कई लोग किसी से बिना बात के फूके रहे हैं। तो देखियो भाई, बाप का पैसा उड़ा रहा है, अरे भाई उसके बाप ने कमा लिया, उड़ान दो उसको, उसकी मर्जी है। तो चीज होती है हर एक चीज। बाकी मस्त थी, और वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें रिएक्ट करना चाहिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।